और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास पर उपचुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है। बता दें, राजसमंद और वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास भी इस बैठक में मौजूद रहे। दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और साथी कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो उपचुनाव को लेकर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई। सीएमआर पर उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा मंत्री, परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे और साथ ही कार्यकर्तागण भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजसमंद और वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहे, तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने यह बैठक ली, तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास भी इस बैठक में मौजूद रहे। दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्तागण भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजसमंद और वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर इस बैठक के माध्यम से रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। सीएमआर पर उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से, चूंकि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में किस तरह से कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है, उसको लेकर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया। और इसी खबर पर नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए, उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया, खासतौर पर राजसमंद और वल्लभ नगर जो विधानसभा सीट है उसको लेकर यहाँ चर्चा की गई, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पहले तो अपडेट ये है कि जो उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है वो तीन सीटों को लेकर चर्चा हुई है। राजसमंद और वल्लभ नगर तो है ही, साथ में जो सहाड़ा विधानसभा है जहाँ पे भी उपचुनाव होना है वहाँ पे बैठक हुई। तो कुल मिला के आज उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पे दो बैठक हुई है। पहली बैठक सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर हुई थी और दूसरी बैठक में राजसमंद और वल्लभ नगर पे चर्चा हुई थी। इन बैठक में अगर हम बात करें तो मंत्री रघु शर्मा शामिल थे एक बैठक में, दूसरी में प्रताप सिंह खाचरवास शामिल थे, धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे और दोनों जो बैठक है उसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। साथ में तीनों ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद थे और इस बैठक का जो फोकस है जो थी वो इसी बात को लेकर रहा है कि किस तरह से कांग्रेस इन तीनों सीटों को जीते, क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस में इस तरह की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पे पहले भी बैठक हुई है, हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां है बिल्कुल तेज कर दी है, चाहे वो प्रत्याशी चयन को लेके हो, चाहे बूथ प्रबंधन को लेके हो, चाहे प्रचार को लेके हो या कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों पे लगातार चर्चा हो रही है, रणनीति बन रही है और जो लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को और संबंधित उस क्षेत्र के जो विधायक है बाकी आसपास के क्षेत्र के, उनको भी यही मंत्र दिया है कि किसी भी सूरत में ये तीनों सीटें और साथ में सुजानगढ़ की हम बात कर ले जिसके बारे में पहले बैठक हुई है, तो ये जो चारों सीटें हैं वो कांग्रेस जीते और इसके लिए जो सरकार ने जो बजट में घोषणा की है इन विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए जो घोषणा की है और साथ में जो लगातार आगे जिस तरह से सरकार का फोकस है, सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके आधार पे जनता के बीच में जाया जाए, विकास के आधार पे वोट मांगा जाए और साथ में ये भी वहां के क्षेत्र के लोगों को बताया जाएगा कि अगर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो तय है कि वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होगा, ऐसे में वहां पे विकास ज्यादा होंगे और अगर किसी कारण से कहीं खिलाफ निर्णय आता है तो उस क्षेत्र की जनता के लिए जो है उचित नहीं होगा विकास की दृष्टि से। तो ये तमाम बातों पे रणनीति जो है चर्चा हुई है, रणनीति बनी है और आने वाले दिनों में इन तरह की बैठकें और होगी और अब कार्यकर्ताओं को ये भी कहा गया है कि जिनको भी जिम्मेदारी दी जाए वो उन क्षेत्रों में जाए, लोगों से संपर्क करें, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट कैसे हो। जी नरेश, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।